हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डबल स्लिट कुर्ती, जिसमें हम ऊपर हम नेक बनाएंगे, हाई नेक। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी। फर्स्ट वीडियो मेरी यही है कि मैं यहाँ पे डबल स्लिट कुर्ती बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने जैसे हमारा मेजरमेंट तैयार होता है, हमने पूरी कुर्ती को वैसे मेजरमेंट तैयार कर लेना है। फिर जो यहाँ का फोल्ड, जो यहाँ पे फोल्ड कपड़ा है हमारा, हमने वहां से घेरे के अकॉर्डिंग, हमारा घेरा यहाँ से है 11 इंच, तो हम यहाँ से 6 इंच अपना फ्रंट लेंगे, जो यहाँ से हम कट करेंगे, और ये हमारा बचा हुआ हिस्सा है, और यहाँ से हम कट करके सीधा हिप से 1 इंच ऊपर या 1 इंच नीचे या फिर हिप की लाइन पे ही रखेंगे। हम बिल्कुल इसको हिप के 1 इंच ऊपर रखेंगे, ठीक है। हम यहां पर भी 6 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहां से, ये हमारा 16.5 इंच पे आ रहा है, हम यहां से 17.5 इंच पे कर देंगे, 1 इंच ऊपर। अब इस लाइन को हमने बिल्कुल सीधा मिला के यहां तक कट कर देना है। इसको सिर्फ 3 जगह से ही कट करते हैं, 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर या बीच में से। जब आप ज्यादा ऊपर कट करेंगे तो आपके कोट से ही पूरा कट होएगा। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। इसको हम बिल्कुल सीधा कट कर देंगे जो हमने मेजरमेंट किया है। अब हमने इसको यहां से कट कर दिया है। अब हम इसके बीच में हम और एक कपड़ा काट के पूरी यहां तक हम पाइपिंग घुमाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें, आपको पसंद छोटा कट पसंद है तो आप छोटा कट भी लगा सकते हैं, और इससे अगर आपको बड़ा कट पसंद है कि वेस्ट से थोड़ा सा नीचे आए, अगर आपने नीचे कुछ लहंगा स्टाइल फ्रॉक्स वगैरह पहननी है तो आप इसे बड़ा कट लगा सकते हैं। शरारा पहनना है या आपने पजामा पहनना है तो आप बड़ा भी कट लगा सकते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। मैंने आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर कट बताया है, जैसे कि हम और एक कपड़ा काटेंगे और पाइपिंग इसमें लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी तिरछी पट्टी कर ली है, इसको अब हम कट करेंगे, ठीक है। आपको जितनी चाहिए आप उतनी पट्टी काटें, 1 इंच पट्टी काटनी है तो आप 1 इंच पट्टी काटें कि आप उसको 1 इंच को संभाल सकते हो और पूरी पाइपिंग अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे। और ये सीधी पट्टी हम काट लेंगे। हमने अपना बैक भी उतनी ही काट ली है जितनी हमने फ्रंट जो फैब्रिक का फ्रंट काटा था कुर्ती का, हमने बैक भी उतना ही कट कर लिया है। हमने ये बहुत सारी और एप स्ट्रिप काट ली है, हमें पीछे के लिए भी चाहिए और आगे के लिए भी चाहिए। मेरी कुर्ती फ्रंट एंड और बैक दोनों से कट है, ठीक है। अब हम इसको इन सबको जोड़ेंगे, जो अपोजिट जोड़ेंगे, बिल्कुल यूं हम सिलाई लगाएंगे, एक की पासा इधर होना चाहिए और एक पासा इधर होना चाहिए। अब हम दोनों को अपोजिट साइड जोड़ेंगे और एक पट्टी को, फिर इसके अंदर हम स्टिच करने से पहले हम इसके अंदर लगाएंगे। जो ये 2 इंच की पट्टी काटी थी इसको हमने बीच में से कट कर दिया है, और कट करके हमने इसको और भी लंबा कर दिया है और अपोजिट साइड में हमने इसको सिल दिया है। अब हम एक साइड से इसको हल्का सा टर्न करके लंबा बिल्कुल एंड तक सिलेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके सिलाई मारनी है और ऐसे आगे तक सिलाई मारते रहें, बिल्कुल थोड़ी सी बस।
सीधा रखेंगे, ठीक है, इसका पल्ला सीधा है। और हमने जो यहाँ पे ये साइड से फोल्ड किया था इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे अपनी पाइपिंग वाले उसको, और ये पट्टी को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा निकाल के रखेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहां से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, जो हम इस कट पे आएंगे इसको ऐसे कर घुमाएंगे फिर, और यहाँ पे कट लगाएंगे, थोड़ा सा कट और लगाएंगे नीचे जहां सुई है इसकी, फिर इसको घुमा देंगे। और नीचे तक इसको ऐसे ही ले जाएंगे, ऐसे हल्का सा फोल्ड करना है, और इसके अंदर पाइपिंग निकालने के लिए हमने इसको यहां से इस तरीके से हमने इसको अंदर फोल्ड कर दिया, हमने पाइपिंग निकाल ली है। ऐसे ही इसकी हम पाइपिंग निकालते रहे, बस जब हम इस कर्व एरिया पे आएंगे जो हमारा कट है वहां पे हम इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। इसको आराम से लाएंगे, फिर इसको यूं कपड़े को घुमाएंगे, और फिर वैसे ही जैसे आपने स्टार्टिंग की थी पाइपिंग लगाने की बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। पाइपिंग लगा दी है जैसे हमने इसको पहले टर्न किया था फोल्ड करके, फिर हमने लगाया और इसे पाइपिंग लगा दी है। इसके पहला कट ये है, अब हम इसके दूसरे कट पे भी सेम वही करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, उसको अपने और एक पट्टी को फोल्ड करेंगे, और वैसे ही यहाँ पे लगाते समय कर्व एरिया में लगाते समय फोल्ड वाले जो फैब्रिक को कट करेंगे, और ऐसे ही गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे जैसे कि हमने इसको प्रिपेयर किया है। ऐसे ही इसकी बैक पल्ला है वो भी हमने इस तरह से ही, जो हमने कट मारे हैं बैक पल्ले वो भी इस तरह से करने हैं, और फ्रंट वाला जो ये हिस्सा है
सेम वैसे ही करना है। हम बैक पल्ला लगा रहे हैं, फ्रंट पल्ला हमारा हो गया है, इसको हम सीधा लेके जाएंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ले में किया था। जब हम कोने पे आएंगे, जो हमारा एक कट है इस पे हम आएंगे, तो हम जो हमारा ये ऊपर वाला है फोल्ड, इस पे हम यहाँ पे, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे उतर कर भी कट लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने आधा पैर ही दबाना है, बस इसको सीधा हम ऐसे ही स्टिच में ले जाएंगे। अब हम इसको जैसे हमने फ्रंट पल्ले में किया था, इसको मोड़ के हम इसकी पाइपिंग निकाल देंगे। और एक बार जरूरी है, जब हमने यहाँ पे कट में इसको घुमाया है और यहाँ पे हमने कट दिया है, इसको भी हम यहाँ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इसकी अच्छी सी शेप निकले। तो जितना हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है वहां पे हम थ्रेड ना कटे वन पॉइंट का यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये इजिली अपनी शेप में आ जाएगा। ऐसे ही हम इस पाइपिंग निकालने के लिए इसको टर्न करेंगे और वैसे ही जैसे हमने स्लाइड उसमें लगाई थी वैसे ही हम इसमें स्लाई कर देंगे। अब हमने अपने सारे पल्लों पर पाइपिंग लगा दी है, इसको हम एक सिलाई और लगाएंगे बिल्कुल इसके साथ में, एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऑल ओवर पूरे ही हम। इस पे हम यूं रुकेंगे और इस पे हम यूं टर्न करेंगे, जैसे इसकी शेप थी वैसे ही हम रुकेंगे और हम पूरा ऐसे ही नीचे तक ले जाएंगे। फ्रंट स्लिट जो थी ओपन टू साइड से वो हमने कर दी है, हमने बैक भी कर दिया है और ये हमारा फ्रंट पल्ला है। हमने फ्रंट में पाइपिंग निकाल दी है, हमारी दोनों चीजें रेडी हो गई हैं, बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। अब हमने इसके साइडों से हिप से स्टिच करनी है शर्ट को, और हमने अपने ऊपर जो कॉलर वाला नेक है वो प्रिपेयर करना है। मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब हाई नेक कॉलर के लिए सबसे हमें यहाँ से 3 इंच का मार्जिन ब्रॉड रखना, 3 इंच का हम यहाँ ब्रॉड रखेंगे, फिर यहाँ से हम 3 इंच, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर हम यहीं से ही ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले यहां से 3 इंच, फिर यहां से 3 इंच, फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके गले की लेंथ, यहां तो हमने हाई नेक को रखना है, कॉलर के लिए हमने अपना फैब्रिक ले लिया है, ठीक है, पेस्टिंग लगा दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच का ब्रॉड रखेंगे, ठीक है, और यहां से भी हम 3 इंच का लगाएंगे, फिर यहाँ बॉक्स बनाने के बाद हमारा गला ओपन रहता है हम उस पे निशान लगाएंगे,
हम यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे, हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाता है, कंधी दबने में चला जाता है। फिर यहां से हम इसको एक इंच का निशान लगाएंगे जो खुलने के बाद 2 इंच का हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 इंच, और जो हमारे पूरे नेक की नीचे तक हम रखेंगे हम 13 इंच, यहाँ पे भी हम 1 इंच का लगाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हम 1 इंच का ही, जो हमारे नेक की लेंथ है वहां से लेके यहाँ तक इसे हम मिला देंगे बिल्कुल नीचे तक 1 इंच पे, और यहीं से हम इसे गोल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, इसे हम अपने इसे टर्न करने के लिए यहां से हम ये सीधा है यहां से, तो कैसे हम खोलने के बाद इसको जैसे कि हम करते हैं कि हमारे चोक के निशान इधर आ जाएं, वो सारे इधर आ जाएंगे, जो लाइट हो आप उसको चोक से और डार्क कर दें। अब इसे हम यहां से जो हमारे कर्व एरिया है वहां पर हम एरिया है उनको हम यहां से कट करके इसको यहां से हम फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे सारा। हम फोल्ड करने के बाद इसको हम अपने सेंटर की लाइन लगाने के बाद इसकी शेप देंगे, सीधी लाइन सेंटर है जो सेंटर पे लगाएंगे, जहां तक हमारा नेक का वो है वहां तक हम सेंटर में इसको लगाएंगे। अब हम इसको इसकी शेप में ही लगा, अब हम इसकी जो शेप है इसकी जो चौक के निशान है उस पे ही अपनी सुई को चलाएंगे, स्टिच करेंगे। और पूरे इसकी शेप पे ले जाएंगे, यहां से हम कर्व लेंगे यहाँ पे और सीधा, और ऐसे ही ये दूसरे वाला है, जैसे हमने यहाँ कर्व दिया आप यहाँ पर भी कर्व दें। इसको कट कर देंगे, जो हमने अपना इसे हम कट करेंगे इसकी शेप में, कट करने के बाद इसको हम नॉचेस लगा देंगे। सारे नॉचेस लगा दिए हैं, जो ये स्क्वायर होता है इसमें लगाने हैं दोनों स्क्वायर्स में, गले के जो ये राउंड है ये कॉर्नर है जो आपने यहाँ पे नोक बना के जैसे कि इधर लगाना है इन इधर भी लगाना है, और जो कर्व एरिया है पूरे इधर भी नॉचेस लगाने। अब इसको हमने उल्टी तरफ अंदर फोल्ड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके फोल्ड करने के बाद ये सारी इसकी शेप बाहर निकल आएगी पूरी राउंड, और हम बीच में कपड़ा लगाएंगे जो हमारा कपड़ा कंट्रास्ट में रखा है हमने, वो उसको हम बीच में लगाएंगे। फ्रंट नेक जो हमने हाई नेक के लिए किया था इसे प्रेस करके हमने अच्छा यू कर दिया है। इसके बीच में हम पैच लगाएंगे क्रीम कलर का, और इसके ऊपर भी हम क्रीम कलर का ही बैंड लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच का ये हमारा बैक पार्ट है कुर्ती का बैक, और 1 इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे और इसको गोल मिला के हम कट कर देंगे इसको इस तरीके से, इसे राउंड शेप में लेंगे और हम इसे कट कर देंगे। कट के इसकी जो शोल्डर है वो एक दूसरे के साथ हम जोड़ देंगे। अगर आपने पेस्टिंग लेके
जो पीछे से पैटर्न बचा था आपने, पैच बचा था, उसको आपने उठाना है और जितना आपने यहाँ पे कपड़ा लिया उतना नीचे रखना है, कंट्रास्ट में ही लिया आपने दोनों का। उसके अपने यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ पे हम पाइपिंग निकाल सकते हैं और हम बिल्कुल इसमें सीधी सिलाई मार देंगे और इसको फोल्ड करके हम पाइपिंग भी निकाल देंगे। अब हमने इसको स्टिच कर लिया है पूरी लेयर को, इसको हमने स्टिच कर दिया पूरा। अब हम इसे पलटेंगे इस तरीके से और जो इसकी पाइपिंग ऊपर आई है इसको अपने हाथ से जितनी आपने रखनी है उतनी सेट करें, मोटी तो मोटी, अगर पतली तो उस कपड़े को नीचे और खींच लें, ठीक है। ये आपकी पाइपिंग नीचे निकल आई है और उसके ऊपर आप स्टिच सिलाई चला दें। अब हमने अपने इस पैच को बीच में रख दिया है, जितनी आपको अपना नेक चाहिए होता है उतना ही आप उसे रखें, अगर आपको और भी डीप चाहिए तो उसे नीचे कर दें, छोटा चाहिए तो उसे ऊपर कर दें, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही बनता है, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों सेम आप उसे मैच कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप ना पैच तैयार करके अब आपने स्टिच करना है इसे, ऐसे ही पूरा स्टिच करके आपने यहाँ बंद कर देना है। हमने अपने नेक में पाइपिंग लगा दी है, नेक तैयार कर दिया है, अब उसे लेस से डेकोरेट करेंगे। हमने यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस किया है यहाँ से और 1 इंच का यहाँ से, अब 1 इंच के यहाँ पे हम इसे रखेंगे और इसको सीधा ले जाके हम यहाँ पे जो हमारी ये बिल्कुल गले की इससे 1 इंच नीचे आके हम इस तरीके से इसको स्क्वायर में शेप देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इस तरीके से घुमा के हम इधर ले जाएंगे और इसके बीच में भी हम नेक के अंदर देते हुए सेम ऐसे करेंगे। अब देखिए हम इसे लेस को लगा रहे हैं, हमने यहां तक लेस लगा ली है, हमने इसके नीचे एक और लेस लगानी है जो इसके अंदर लगाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा नीचे ही लगाएंगे। अब हम इस लेस को अपनी फिंगर से ऐसे पकड़ेंगे और इसकी नोक बनाते हुए हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसके हम नोक पे रखते हुए इसके कॉर्नर पे आएंगे, ठीक है। फिर इसको हम इस तरीके से सीधी लेस यहाँ तक, जैसे हमने सेम यहाँ किया वैसे ही आप इस कोने पे करेंगे, अपने गले पे स्क्वायर नेक स्क्वायर करके हमने लेस लगा ली है 1-1 इंच का गैप करके। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कॉर्नर पे लिया था वैसे ही आपने इसको कवर करते हुए इस तरीके से यहाँ पे आना है और सुई की नोक पे रोकते हुए इसको आपने अपनी फिंगर से पकड़कर इसी की शेप में यू लगाना है ऐसे, ठीक है। इसके बीच में आप स्टोन्स लगा सकते हैं इसे हाईलाइट करने के लिए। पूरी लेस तरह लगा दी है, ठीक है। अब आपने इसका जो नेक है उसको ऐसे आपने इसको सेंटर से पकड़ना है और इन दोनों को ऐसे पकड़ना है। अब आपने इसका मेजरमेंट चेक करना है ये कितना है इसका, अभी ये सिंगल आएगा डबल कर देना, कस के पकड़ना है खोल के, ये आ रहा है 15 इंचेस, ठीक है। 7.5 आ रहा है 15 इंचेस। अब हम 15 इंचेस का हम ये रेडीमेड पूरी टैटोन मिलती है, इसको आप 7.5 इंच, हम इसे 16 इंच काटेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही काटेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी शेप दे ली है, हमने इसे एक्स्ट्रा काट दिया है। ये इसका सेंटर है, हमने यहाँ पे इसको कट लगाना है। अब हमने यहाँ से इसको, ये हमारा नीचे का है,
यहां से हमने इसे गोल शेप दे देनी है, राउंड शेप, ठीक है। इसे पकड़ के आपने ये देखिए इसकी, इसे अब हम अपने पेपर पे, सॉरी फैब्रिक पे हम इसको पेस्ट कर देंगे अच्छे से। ये चिपक जाएगी प्रेस से, यहाँ पे जो ये शाइनिंग वाला पार्ट है ये नीचे आएगा और ये अच्छे से प्रेस पे चिपक जाएगा। फैब्रिक पे हमने अपना कॉलर जो हमारा आया है 15 इंच हमने चिपका दिया है और जो हाफ था काट दिया है। अब हमने जब इसको हम प्रेस से चिपकाते हैं तो हम स्केल से साथ साथ ऐसे करते रहे, ये दब के बिल्कुल चिपक जाएगा इसके, ठीक है। प्रेस गर्म भी होनी चाहिए अच्छी खासी। फिर हमने जो हमारा ऊपर का हिस्सा था ये वाला, इसको हमने प्रेस से टर्न कर दिया है और नीचे कपड़ा इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी शेप है, जो इसकी शेप है ये राउंड, यहां से हम लेंगे और इसके साथ में ही चलेंगे। ये देखें यहाँ पे पक्का करेंगे जो इसकी कॉर्नर है, जो है ये स्टार्टिंग का, यहाँ पक्का करेंगे अच्छे से। और साथ में इस तरह से ही यहां तक भी इसी शेप पर पक्का कर देंगे। अब हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है इसकी शेप में ही, ठीक है। पूरी शेप में से काट दें कपड़ा और साइड में हमने यहाँ पे नॉचेस लगा देने हैं कि अच्छे से ये कर्वाइज घूम जाए, ठीक है। फिर उसके हमने इसको फोल्ड करना है अंदर की साइड, और आपको जितना कपड़ा चाहिए आप उतना ही कपड़ा नीचे रखें, बाकी कपड़ा आप कट कर दें। अब हम अपना नेक लगाएंगे, ठीक है। हमने अपना नेक तैयार कर दिया है, ठीक है। इसको हमने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आप अपने नेक को उठाएंगे और इसे उल्टा करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर स्टिच यहां से अपने बीच का कट जरूर लगा लें, कट से कट मिले यहां पे, ठीक है। यहाँ बीच का कट है, उसके बाद हम इसे कॉलर को उल्टा करेंगे और इसके इस साइड से हम लगाना शुरू करेंगे कॉलर को। कॉलर उल्टा होना चाहिए, आपका नेक उल्टा होना चाहिए, फिर यहां से शुरू कर रहे हैं। बस इसको ऐसे ही आप ले जाएं, इसको आप उठा भी सकते हैं इस वाले को ऐसे कि ये बीच में अड़े नहीं। इसकी शेप में आप लास्ट तक ऐसे ही ले जाएं जैसे आपने स्टार्ट किया है। अगर इसका बीच का कुटका कुटके से मिल गया तो आपका बिल्कुल नेक बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे हमने इसको खत्म कर दिया है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसको हम इसके जो अंदर ये जो थ्रेड निकल रहे हैं इसको हम अंदर करेंगे। अगर ये अंदर इजिली नहीं हो रहे हैं, जो इसके कपड़ा है ये कपड़ा का अगर निकल जाता है बाहर, तो आप इसको अच्छे से अंदर किसी नोकली चीज से अंदर कर देंगे, ठीक है। जो इसकी शेप है इसको भी आप अच्छे से यूं राउंड करके कोई चीज अंदर कर सकते हैं। फिर आप इसको यहां से सिलना शुरू करेंगे इधर से। इसकी शेप है जो पूरी सिलने की, आप सिल देंगे अच्छे से और कपड़ा, और जो इसका ये कपड़ा है इसके अंदर ही रहे। ऐसे ही आप लास्ट तक
अपने कॉलर को सिलते लाएंगे आराम आराम से। तो जितना भी कपड़ा है ये बाहर निकल रहा है, ये इसको आप अंदर की साइड करेंगे और इसके ऊपर आप कॉलर ये सिलाई चलाएंगे। अब हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। कुर्ती तैयार हो चुकी है, जो फ्रंट में भी कट है दो ये देखें, और बैक में भी कट है, दोनों के कट सेम तरीके से काटे गए हैं, दोनों को इकट्ठा कपड़ा लेकर कट कर दिया गया है। और यहाँ पे डिजाइनर लेस अच्छे से लगाई गई है, बीच में हमने इसको पैच दिया गया है और राउंड हमने कॉलर लगाया है। प्लीज मुझे शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, थैंक यू।